तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें ए बी सी डी ई वेरिएबल दिया हुआ है और इन सब का डायमेंशन निकालना है, ए और डी और ई की इन सब का डायमेंशन निकालना। तो ये क्वेश्चन जो है किस पे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आप पढ़े हो तभी इसको कर सकते हो। वैसे और ऐसा नॉर्मल है, जैसे एक्स प्लस वाई अगर जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो जेड बना रहे हैं, तो एक्स का जो डायमेंशन होगा वो वाई का होगा और जो वो एक्स का होगा वो जेड का होगा। मतलब अगर एक्स वाई एड हुए हैं या सब्ट्रैक्ट हुए हैं, घटे हैं, एक्स माइनस वाई हुए हैं, और मान लो कोई पी क्वांटिटी बनाए हैं, तो ये तभी घट सकते हैं। तो एक्स का डायमेंशन वाई के बराबर होगा और एक्स का डायमेंशन पी के भी बराबर होगा। इसी तरह से इन तीनों का डायमेंशन आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। जेड का डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसके बराबर। मतलब अगर ए प्लस बी हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब है ए एंड बी हैव सेम नेचर, ठीक है। प्रिंसिपल आपको मुझे एक बार मैं बता देता हूँ, सेम नेचर का क्या मतलब होता है भाई? अगर ए बी और फोर्स है, ए फोर्स है तो बी भी फोर्स है, ए वेलोसिटी है तो बी भी वेलोसिटी है, ठीक ना। और ए एंड बी हैव सेम यूनिट, मतलब इनका यूनिट भी, जब नेचर ही सेम होगा तो इनका यूनिट भी सेम होगा, ठीक है ना। ए एंड बी हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो ये आपको बहुत नॉर्मल सी बात है, ये आपको याद होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो कौन कौन किससे जुड़ा है, तो डी प्लस ई का सम हुआ है, तो डायमेंशनली डी बराबर है ई के। तो और ई यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बी एंड सी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ डी एंड ई। तो हम सबको पता बी और सी का डायमेंशन दिया हुआ है, तो अगर बी और सी का डायमेंशन दिया हुआ है तो एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी या सी अपॉन ई, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हें ये प्लस है ना, ये प्लस है, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, या बी प्लस सी बाई ई। क्यों? क्योंकि डी और ई बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बार बार नीट में पूछा जाता है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से, अब हमें बी और सी का डायमेंशन पता है, यहाँ से डी का निकल जाएगा। तो अगर ए और बी में सम हुआ है, ध्यान से देखना, बी किसके साथ जुड़ी है, सी बाई डी के साथ। तो बी बराबर होगा, यहाँ से बी का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा, बी का डायमेंशनल फार्मूला इस पूरे के बराबर होगा, सी बाई डी के। तो डायमेंशनली अगर देखोगे यहाँ पे, तो सी बाई डी डायमेंशनली बराबर होगा बी के। तो यहाँ से डी का डायमेंशनल फार्मूला आएगा सी बाई बी, क्योंकि सी और बी का दिया हुआ था, तो सी का दिया था एल और बी का दिया था एल टी माइनस वन। तो एल एल खत्म हो गया तो टी आ गया डी का, तो जो डी का होगा वो ई का होगा और ये सब टी के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें से कौन सा डी और ई आपस में बराबर है टी, तो डी और ई आपस में बराबर है टी के। मतलब इसमें से डी और ई यहाँ पे इक्वल तो नहीं है, डी और ई यहाँ पर इक्वल, ये भी गलत है, डी और ई यहाँ पर ये भी इक्वल है, लेकिन टी, मतलब डी ऑप्शन सही है। चाहो तो तुम अब ए का भी निकाल सकते हो, तो ए का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो बी का होगा, ठीक है ना। ए का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो बी का होगा, तो बी का यहाँ दिया था, बी का दिया था एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन यहाँ पर ए का होगा एल टी माइनस वन, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन अपना सही है। थैंक यू।